आप देख रहे राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर झील। झील का मतलब बहुत ही ज्यादा पानी का ठहराव। लेकिन दुर्भाग्य के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि 23/8/2017 को पूर्व सरपंच राकेश कुमार चौहान ने इसी गांव के नजदीक रामेश्वर जोहड़ के विषय पर बीडीपीओ के द्वारा जिला उपायुक्त को पत्र लिखा था, जिसमें यह लिखा था कि गांव को स्वीकृति दी जाए, इस जोहड़ के कार्य को पूरा किया जाए। जोहड़ के अंदर पानी एक टपका भी नहीं है, इसमें जोहड़ की व्यवस्था की जाए, पानी का ठहराव के लिए किसी भी प्रकार से कोई योजना यहाँ पर तय की जाए। लेकिन अभी तक आज तक यह जोड़ सूखे का सूखा ही है, जबकि इस पर दूसरी पंचायत भी अभी बन चुकी है। नव निर्वाचित सरपंच सीमा चौहान ने यह कहा कि उन्होंने भी नहरी विभाग गुड़गांव SDO को पत्र लिखा और उसकी स्वीकृति ली है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जल्द ही इसका काम शुरू किया जाएगा और जोड़ में पानी का ठहराव करने की व्यवस्था की जाएगी। सरपंच सीमा चौहान ने बताया कि SDO नहर विभाग गुड़गांव को उन्होंने 24/1/2023 को लेटर लिखा था, उसमें स्वीकृति ली थी कि जल्दी कार्य शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी मई का माह भी आधा समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी तक शासन और प्रशासन ने किसी भी प्रकार की इस जोड़ पर कार्यवाही नहीं की। कितने टाइम से शिकायत है जोड़ के जो आज तक विषय कम्प्लीट नहीं? 2017 में जी DC से रिमार्क हुआ है जी, और हर पंचायत इस मुद्दे को उठाते आ रही है। पिछले एक पंचायत ने तो उठाई, अभी आप उठा रहे हो। उसमें पहले भी योजना जी, इससे पहली योजना से भी मतलब इसका ये प्रस्ताव रखा गया है जी। सुल्तानपुर का नाम है तो सुल्तानपुर झील के नाम से जी, अगर दुनिया देखती है तो ये सोचती होगी वहाँ पता नहीं कितना पानी होगा। झील, झील का नाम आते ही लोगों के दिमाग में जहन में आ जाता है कि पानी से भरपूर होगा। सुल्तानपुर गांव के साथ ही नाम झील जुड़ा हुआ है। और आप ये परिस्थिति देखोगे तो क्या है, यहाँ हमारे पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए कहीं आज इतना पानी नहीं है कि अब खर्चा आ रही है इस महीने में गर्मियों में कि पशु पक्षी को कहीं पीने के लिए पानी नहीं जी। और लगातार गांव या पंचायत इस मुद्दे को उठाते हैं लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान हुआ नहीं। तो सर कहाँ पे जाके काम रुक रहा है? देखो काम इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि अभी भी इसका जो हमने प्रस्ताव दिया है, कोई कहेगा इसके नहरी विभाग में दो जी, इसको वो एस्टिमेट बना के देंगे, कोई पंचायत विभाग के अंदर भेज देगा। मतलब इस पर प्रॉपरली हम तो वीडियो के मार्फत ही कार्रवाई कर सकते हैं पंचायत को। शिकायत सर, शिकायत कहाँ कहाँ पे की हुई इनकी? नहरी विभाग को मैंने लिख के दे रखा है जी, और पिछला मैंने आपको मैं दिखाता हूँ कि 2017 के अंदर DC से भी रिमार्क है, और अभी भी 2 या 3 महीने पहले मैं DC साहब को भी ये लेटर दे के आया हूँ, उन्होंने भी रिमार्क किया है, बट प्रैक्टिकली अभी कोई वर्किंग इस पर है नहीं जी सर।